मैंने जब हाईएस्ट पेड हाउस बिल्डिंग का वीडियो बनाया था उसमें वन ऑफ द ब्रांच थी पुलिस का हाउस बिल्डिंग। उसके बाद जो है काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे भी पुलिस में हाउस बिल्डिंग करना है, मुझे भी पुलिस बनना है। आज के वीडियो में हम यही सारी बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग में होता क्या है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सीखते हो आप, क्या सैलरी होता है, क्या ग्रोथ रहेगा, और आप फॉरिनर हो तो आप कैसे कर पाओगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे जो है पुलिस की चीज दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है वो नॉर्मल पुलिस होते हैं जो डे टू डे में वर्क करते हैं, उसके लिए हाउस बिल्डिंग है। अगर आपको सुपीरियर पोजीशन चाहिए जैसे कि इंस्पेक्टर हो गई, कमिश्नर हो गई, वो सारी जो पोजीशन में अगर आपको एक्सेल करना है तो उसके लिए डुअल स्टूडियम अलग से होता है। पर आज के वीडियो में हम लोग जो है वो हाउस बिल्डिंग की बात करेंगे कि जो नॉर्मल जो पुलिस का जो वर्क होता है तो उसके अंदर कैसे करें। पुलिस का जो हाउस बिल्डिंग है उसको दो जगह पे आप कर सकते हो। दो टाइप के पुलिस होते हैं, एक जो होता है वो होता है लैंडस पुलिस साई और एक होता है वो होता है बुंदस पुलिस साई। लैंडस पुलिस साई मतलब आप जो है वो किसी भी स्टेट में रहते हो तो वो स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उसको आप कंसर्न रखते हो, जैसे कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, या तो फिर कोई छोटा मोटा गुनाह हो गया, या तो फिर मर्डर हो गया, ये सारी चीजें जो है उसको आप जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हो। अगर आप बुंदस पुलिस साई में हो आपका ज्यादा जो कंट्रोल जो होता है वो ग्रेन्स कंट्रोल यानी कि बॉर्डर कंट्रोल पे होता है। उसमें आप नॉर्मल बॉर्डर कंट्रोल हो गया या तो फिर एयरपोर्ट हो गया या ट्रेन स्टेशन या तो पोर्ट हो गया, वो सारी चीजों में जो है आपकी ड्यूटीज ज्यादा होती है। तो हम लोग पुलिस देखते हैं तो वो लोग जो है वो बुंदस पुलिस साई में कंसिडर होते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके हाउस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का। ये जो हाउस बिल्डिंग जो होता है वो 2.5 साल का होता है यानी कि 30 मंथ का होता है, और उसमें पहला साल जो होता है वो थियरी का होता है और दूसरा और तीसरा साल जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है जिसमें आप प्रैक्टिकली सब कुछ चीजें देखते हो, समझते हो और फिर सीखते हो। उसके बाद जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपकी जो है वो ड्यूटी लगती है। वर्किंग टाइम और आवर्स की बात करें तो इसमें फिक्स टाइमिंग नहीं होता, आपकी शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी लगती है। मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, इवनिंग शिफ्ट हो गई, या तो फिर नाइट शिफ्ट हो गई, वो बदलती रहती है, फिक्स टाइमिंग नहीं रहता। डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपको कौन सी शिफ्ट में काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट की। सबसे पहली जो चाहिए वो है एज। एज जो है आपकी 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। दूसरा, आपको 12th पास किया होना चाहिए अच्छे मार्क के साथ। तीसरी, लैंग्वेज के अंदर जर्मन आपको B2 चाहिए और इंग्लिश में जो है आपके 12th के अंदर मिनिमम 4.0 बैंड होने चाहिए। पॉइंट और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे आएगी, आप उसको जरूर देखिए, उसमें मैंने समझाया है। उसके अंदर आपको 4.0 चाहिए, जो PT बोलते हैं, अपने फिजिकल टेस्ट यानी कि अपने यहाँ जो सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे स्पॉट बोलते हैं। उसके अंदर आपके 3.0 बैंड होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रिक्वायरमेंट में वो है आपको जर्मन सिटीजनशिप चाहिए यहाँ पे, या तो आपकी यूरोप के किसी भी देश की सिटीजनशिप होनी जरूरी है। किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सिटीजनशिप वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है जर्मन स्विमिंग कोर्स होता है यहाँ पे जो आप स्कूल के अंदर करते हो पहले से लेकर अंत तक, तो उसमें आपका मिनिमम ब्रॉन्ज लेवल होना चाहिए। काफी सारे स्टेट के अंदर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी के ऊपर टैटू भी नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो काफी मायने रखती हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपकी थियरी एग्जाम होती है, उसके बाद फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, आपका वाइवा होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होती है। वो सारे टेस्ट में पास करने के बाद वो लोग आपको डिसाइड करते हैं कि आपको हाउस बिल्डिंग देना है कि नहीं देना है। अब हम बात करेंगे कि इसमें सैलरी क्या होती है। आपकी सैलरी जो है 1400 से 1800 यूरो के बीच में रहती है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड हाउस बिल्डिंग है। तीनों साल जो है वो आपकी एग्जैक्ट सेम ही रहती है, उसमें बहुत कम या ज्यादा नहीं होती। जैसे ही आपका हाउस बिल्डिंग खत्म होता है फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 4000 यूरो से शुरू होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी लाइफ आप जो है इसमें जी सकते हो। अभी बात करते हैं कि क्या ये चीज फॉरेनर के लिए पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास यूरोपियन कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं है तो आपको ये चीज वैसे भी आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते, वो चीज सबसे बड़ी चैलेंज आती है। अगर वो चैलेंज भी अगर बाईपास हो जाती है तो भी फिर बात आती है कि आपने अगर ये
स्विमिंग में आपका ब्रॉन्ज है कि नहीं, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं की है वो चीज भी मिलना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरी बात है कि फ्री प्लेसेस की ऑलरेडी जो है वो इसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन होती है, सबको इसके अंदर जाना होता है। मैंने भी नहीं सुना है कि कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट मुझे भी आई हो कि भाई इसकी शॉर्टेज हो रही है तो इसके लिए कैंडिडेट लेके आओ, क्योंकि इसके लिए वैसे भी लाइन लगी हुई होती है क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स है। मिलना मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल ये सारे रिक्वायरमेंट को मैच करती है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। अगर आपको मिल जाता है तो जरूर मेरा कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और ताकि काफी सारे लोगों को जो है वो उसे बढ़ावा मिलेगा। आई होप मैंने ये वीडियो में आपको ब्रीफली समझाया कि आपको पुलिस के हाउस बिल्डिंग कैसे करना है। अगर आपको भी हाउस बिल्डिंग करना है और अच्छी तरह से यहाँ पे आना है तो आप मेरा जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे।